ठीक है। मत के बेटे असद और शूटर गुलाम के एनकाउंटर पर विपक्षी दल यूपी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। वही बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बता दें कि एनकाउंटर पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज के और हालिया एनकाउंटरों की भी गहन जाँच पड़ताल हो और दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं है, भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। भाई दूसरी ओर इलाहाबाद में अखिलेश, उमेशपाल हत्याकांड के जो दुर्दांत अपराधी थे, जिन्होंने पुलिस के जवानों तक की हत्या कर दी थी, ऐसे दर्दनाक हादसे के आज जो मुजरिम थे उनका जो जिस तरह से एनकाउंटर पुलिस ने किया है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को प्रदेश की जनता आज बधाई दे रही है। पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, उस बात पर मोहर लगी है। उत्तर प्रदेश के अंदर रामराज कायम हुआ है। समाजवादी पार्टी द्वारा घोषित ये अपराधी आज पूरे प्रदेश में या तो प्रदेश छोड़ करके भाग जाएंगे या जेलों में होंगे या एनकाउंटर इनके किए जाएंगे।